इधर राल कौन हिमांशु भैया सूट के प्रिपरेशन चल रहा है सब सामान के साइकिल में आवे नहीं रहे एचएफ डीलक्स हमरा एकरा ज्यादा अच्छा लगे छो मेरे से ज्यादा वजन का मेरा कैमरा अरे हम तुमको सारा खैनी खाता देखते हैं रे सूट पे पूरा सीन गलत गलत सीन हो रहा बड़ से आ जा अरे बढ़िया निकल रहा था ये जड़े जो होती है ये आपको प्रोटीन अच्छी प्रोटीन देने में काफी फायदेमंद होती है ये काफी कड़वा है हाँ तो भैया बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि क्या आप हिमांशु भैया को जानते हैं आपका बात होता है हिमांशु भैया से तो चलिए आज हम लोग चलते हैं उन्हीं से मिलने और अभी चल रहा है साइकिल चोर एपिसोड 5 का शूटिंग तो आपको थोड़ा बहुत शूटिंग का भी बिहाइंड द सीन दिखाते हैं और हो सकता है वहाँ पे आपको पूरा चश्मी टीम भी देखने को मिल जाए साथ में बेगूसराय के और वायरल क्रिएटर्स भी देखने को मिल जाए जैसे कि सनम भैया हो गए हैं बेगूसराय ब्लॉग्स के पाठक जी हो गए तो और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा गाइस यार तो बोले थे ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है देखिए रास्ते में मिल गए हमारे पाठक जी बेगूसराय के वायरल बॉय राकेश पाठक जी बेगूसराय ब्लॉक्स चलिए तब चलते हैं हम लोग अब यहाँ से साथ में हिमांशु भैया के यहाँ बिल्कुल रास्ते का लुक दिखाते हुए चलेंगे आज पहली बार हम आका के साथ बाइक पे बैठ रहे हैं आ गए भाई इतना जल्दी आ गए वहीं लगा दे गाइस यार तो फाइनली पहुंच गए अपना गाड़ी वोड़ी पार्क कर दिए बाकी सब एचएसबी का टीम भी आ चुका है पाठक जी तो साथ में ही है अब पाठक जी से सिंध अंदर जाए परमिशन भी छे डायरेक्ट चल रहे घर में बस छूता खोलना है भाई चल देना चलिए चलते हैं आप सभी को दिखाते हैं हिमांशु भाई का सेटअप रूम सबसे पहले फिर देखते हैं सूट पे जाएंगे हमारे बीच हैं हेमंत सर सबसे पहले इन्हीं से मुलाकात हो गया काश यार तो आ गए अपने सेटअप रूम में भाई साहब है देखो सनम भैया छथिन बैठल पतो नहीं चले इधर रालकुन हिमांशु भैया आथर मिले भो सनम भैया मिलो ना हाथ इधर देख लो मुखिया जी भी छथुन ही है राजू भी ही है छो भैया भी ही है छथी तीरा लो सेटअप रूम बहुत पहले एक ब्लॉग देखो एक डेढ़ साल पहले तब एक बार नजर आए लो तो यो का ब्लॉग गाइस तो आए थे भाई सूट देखने इधर बाहर होने लगा है बहुत तगड़ा बरसात देखिए इसमें पता चल रहा है इसमें बरसात हो रहा है बहुत ज्यादा बाकी सब कोई अब यहीं पे बैठे हुए क्या होगा मित्र अब क्या होगा पता नहीं 2 hours later सूट के प्रिपरेशन चल रहा है सब सामान के साइकिल में आवे नहीं रहे सनम भैया गाड़ी चला की लग रहा लो हन गाड़ी चला के ले रहे कि भाई ऊंट पर बैठल छी एकरा बढ़िया ऊंट पर बैठती है पाइडर मतलब हैंडल उंडल ले पकड़े पर एच एफ डीलक्स हमरा एकरा ज्यादा अच्छा लगे छो स्प्लेंडर ओकरो ज्यादा आ प्लेटिना ओकरो ज्यादा गजब बेइज्जती है तो अब आदत हो गया होगा तुमको आदत हो गया प्रॉब्लम तो होबे करता मार्केट उर्केट में घुमाइएगा तो बैंड बजा बहुत हाइट भाई साइकिल में हावे ने भरा रहा लो हन कैसे सूट होते हैं बहुत मेहनत चल रहा है हन हाँ ये कर लो पहले सो गाइस अभी जो है हम एक चीज दिखा रहे हैं देखिए कितना मस्त एकदम तालाब का सिचुएशन बना हुआ है यहाँ पे भाई वहाँ पे हुआ है जगह पे आका तुम बेगूसराय से आ रहा था ना अभी हाँ हाँ पानी कहाँ कहाँ लगल कहाँ अब आए तब बरसा हुआ है हाँ तो जाने के बाद हमको अपडेट बताएगा कहाँ कहाँ पानी अच्छा इनका एगो कंटेंट हम तो हाईवे पे जाते हैं कहाँ कहीं नहीं पानी लगता हाईवे के नहीं भाई हमको गली मोहल्ला का अपडेट बताओ जैसे लोहिया नगर हुआ विष्णु नगर जो जो गली मोहल्ला तुम देखा है इधर उधर बताओ तो इधर ही जाना है जो है इधर दिखाते हैं और देखिए वहाँ पे क्या पहुँच गए लोकेशन तो यहीं पहुँच गए लोकेशन यहीं पुराना था सो गाइस अभी जो है मतलब की इंग्लिश पिंग्लिश बोलियो यार अपन भाषा में बरगा ही अपन भाषा में बोल रहा लेकिन कोई बात नहीं छे देखो इतनी दूर आवे के 1 मिनट 1 मिनट नहीं लगले आवे
ये। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, मेरे से ज्यादा वजन का मेरा कैमरा है गाइस। पढ़ेगा भाई, पढ़ते पढ़ते दुबला हो गया। पहले देखो तो है, पढ़ते पढ़ते दुबला हो गया। पहचाने सो इनका, इनको बहुत से वीडियो में देखने हो। वो रीसु नवीन जी, जाइए जाइए। एक दो आदमी गिन लो, हर आदमी हिसाब से आधा किलो चावल बना के रखना। वो अभी यही रो देगा, दो बार बोल देगा तो कान जाएगा। हल्का हल्का बरसात आ गया फिर से। अरे हम तुमको सारा खैनी खाता देखते हैं रे। भैया खैनी चुनाइए, भैया यही बैठ के। सिविल इंजीनियर है, छोर कितना से काटना है? एक एक इंची बराबर क्या मीटर होता है? एक इंची में क्या मीटर होता है बताइए। कंफ्यूज आ गए हैं। एक मीटर में क्या इंची होता है? नहीं पता। अबे ये का हो गया मित्र, बरसा होने लगा मित्र। चल रे बर गाइस, अच्छा मुंह लग रहा है ना, स्क्रीन पते नहीं चल रहा है ना, डाल देंगे अब, मुंह अच्छा नहीं लग रहा। यो दिक्कत है भाई, कैमरा मैन का अपना मुंह देखना अच्छा लग रहा है कि भाई कास्ट सब क्या करेगा। सूट हो गया है स्टार्ट, देखिए भाग के जा रहा यहाँ से। तब हो जाएगा हम गाइस। तो आज सूट पे पूरा सीन गलत गलत सीन हो रहा, बरसे आ जा रहा। अरे भाई बहुत मेहनत लग रहा भाई आज। बाकी मानसू भैया सब सूट करे गेल तो नहीं था रेल कौन, पहाड़ी सी बारिश है आज। अरे बढ़िया निकल रहा था। बरसात के मौसम में टुरुरुरु, तन्हाई के आलम में टुरुरुरु, कल आया ऐसा चुटिया पर क्यों मचाया। चलो चला गया बादल, चला गया। चलिए हमारे ऑडियंस पाठक जी कुछ बोल दो तो। देखिए हम एक चीज बताते हैं, जो ही 10-15-20 व्यक्ति बेचारा क्या कहते हैं अंकुश भाई ब्लॉग देखते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ आप लोग जो है ना इनका ब्लॉग को उठाइए अपने व्हाट्सएप स्टोरी में लगाइए, ठीक है, और शेयर कीजिए, भाई का हेल्प कीजिए, समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मदद करेंगा तो कल मदद पाने की उम्मीद रखेंगा मेरी जान। ऐसे भी देखिए क्वालिटी कंटेंट में आज तक हम कंप्रोमाइज नहीं किया, अब नहीं चलता वो अलग बात है। चलेगा चलेगा। है लोटन लोटन एक बचपन अगर जब मारने रहती है बर गया है अभी रात के। देखो सर कैसे भाग आ हमारे साथ चोर भैया जी भी हैं, हम लोग भटक रहे हैं आगे 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 और आगे, अभी और कुछ जगह का सूट बचा हुआ है। खाली दिक्कत है, बरसा हो गया पूरा कीचड़ हो गया, बाकी सब ठीक है, दौड़ने कूदने में नहीं हो रहा। इधर हाल कुन ईमान सुबह, बाकी इधर स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लेकर घूम रहा कुन सनम भैया। ओ शिट रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। ये है राकेश, आप लोग हमको तो पहचानती होंगे, इनको भी पहचान लीजिए। बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, फाइनेंशियली अच्छा स्टेबल है बट गरीब फिर भी है। ओ भाई क्या हुआ, ऐसे खतरनाक पड़ने वाली बारिश के बाद ये धूप आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकती है दोस्तों, तो आपको ऐसे में समझदारी रखनी चाहिए। ओ एक मिनट, ये देखिए, ध्यान से दोस्तों, ये देख रहे हैं ये जड़े जो होती है ये आपको प्रोटीन, अच्छी प्रोटीन देने में काफी फायदेमंद होती है। ये काफी कड़वा है बट ये मुझे 2 दिन तक जिंदा लग सकता है। मैं एक काम करता हूँ, कुछ अपने बैग में रख लेता हूँ। ये मुझे भैया कल वहां से थूक दिए थे भाई। ओ ये जंगली सुअर का भूत है गाइस। ऐसे रेगिस्तान में जरूरी है आप जब भी फंसे तो आप घर से चश्मा जरूर लाएं, बहुत धूप होती है, और एक पंखा और शराब और शबाब आपको इस रेगिस्तान में काफी मनोरंजन दे सकती है दोस्तों। घर से खाना लेकर जरूर आए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है वाइड है ना, तुमको पकड़ के रखना है, फंसा के नहीं रखना है।
उनको पकड़ के रखना है। हाँ, इस पकड़ घंटी पकड़ लेगा, यही पकड़ लेगा, तुमको सामने देख के चलाना ही नहीं। ठीक, जो रिकॉर्ड हो गया वो हो गया, लेकिन सामने देख के चलाना है, चलो रेडी करो। हाँ सामने गाइस, तो अभी मेहनत कर रहे हैं पूरा, कैमरामैन का काम रहा अपने गोप्रो से कुछ शॉट्स निकल रहा है, दिखा देंगे वो भी। खाली है, 3 2 1 चल। गाइस यार, तो अभी लगभग 1-2 किलोमीटर दौड़ चुके हैं, दौड़ने वाला सीन निकालने के लिए बहुत मेहनत लगा अभी। क्या ये लोग देखे, ये भी पूरा साइकिल चलाया, हम पूरा दौड़ रहे हैं, हिमांशु भाई पूरा दौड़ रहे हैं। गो गाइस, बहुत मेहनत हो गया आज, लेकिन दौड़ते दौड़ते बताइए आपका क्या कहना है अभी के जो शूट हुआ, 1 घंटा से दौड़े रहे 1 घंटा से दौड़ रहे हैं और 1.5 मिनट का सीन निकलेगा। मेहनत तो है, मेहनत तो है भाई, लेकिन मजा आएगा उस सीन में, बहुत मजा आएगा। बहुत मेहनत के बाद शूट से वापस आ चुके, आगे चलिए अब। हो यार गाड़ी, चलो हो गया आज खत्म, अभी फिलहाल इतने रखते हैं जल जाएगा इतना तेज तो बहुत ज्यादा होने लगा बारिश के बाद। सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए, उम्मीद है कि साइकिल ट्रिप सीरीज भी आप सभी ने पूरा देख लिया होगा। तो इस वाले ब्लॉग पे हम लोग टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का, तो जल्दी जल्दी करवा दीजिए 100 लाइक्स, और साथ में आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा इस वाले ब्लॉग में, और अपना यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रख लेना, जिससे इन फ्यूचर आपको ऐसा ही मज़ेदार ब्लॉग्स देखने को मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।